नमस्कार, बंसल वास्तु रिसर्च एंड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपके लिए फैक्ट्री से संबंधित कुछ खास बात बताना चाहूँगा। आपकी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही, आपकी फैक्ट्री में बार बार दिक्कत आती है, आपकी फैक्ट्री चाहे किसी भी चीज़ की है, आप अपनी फैक्ट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट बनने में दिक्कत आ रही है, या माल ज़्यादा ख़राब होता है, या सेल प्रॉपर तरीके से नहीं है, या पैसा नहीं आता, यानी कि माल तो चला जाता है, जो पेमेंट समय पे आनी चाहिए वो पेमेंट समय पे नहीं आती, तो ऐसे में आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार अपनी फैक्ट्री के अंदर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपकी फैक्ट्री चाहे किसी भी दिशा की है, चाहे वो नॉर्थ फेसिंग है, चाहे ईस्ट फेसिंग है, चाहे वेस्ट फेसिंग है, चाहे साउथ फेसिंग है, आपको ये उपाय अपनी फैक्ट्री के अंदर जरूर करने चाहिए, क्योंकि आपकी अपनी फैक्ट्री है और फैक्ट्री के हर रोज़ के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब वो खर्चे प्रॉपर तरीके से नहीं निकलते या बार बार दिक्कत आती है, माल समय पे पहुंचाना होता है तैयार करके और वो माल समय पे नहीं जाता, या माल में रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आती है, या जब हम पार्टी के पास माल भेजते हैं तो वो व्यक्ति, वो क्लाइंट ये कहता है कि आपका माल सही नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, आपकी फैक्ट्री की फेसिंग चाहे कोई भी है, उसमें आपकी जो नॉर्थ वॉल है, यानी कि उत्तर दिशा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक, नॉर्थ की दीवार के साथ टच करता हुआ कोई भी सामान है, चाहे आपने अपना रॉ मटेरियल रखा हुआ है, या यहाँ पर मशीन के कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं, या मशीन की डाइयाँ रखी हुई है, यदि नॉर्थ वॉल पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक कोई भी सामान रखा हुआ है, या एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, कोई रोड नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में खड़ी हुई है, यानी जब मशीनरी वर्क होता है तो उसमें कई बार रोड का इस्तेमाल किया जाता है सामान को आगे पीछे करने के लिए, या कुछ ऐसी पाइप होती है उसको कॉर्नर में खड़ा कर देते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में खड़ा कर देते हैं, तो ये मान के चलिए उस फैक्ट्री में हमेशा ही दिक्कत बनी रहेगी। आपके यहाँ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक जितना भी सामान आपका नॉर्थ वॉल के साथ रखा है, इस एक्स्ट्रा सामान को यहाँ से हटाकर वेस्ट साउथ वेस्ट में, यहाँ पर इस जोन में, या साउथ से साउथ वेस्ट की ओर इस जोन में यहाँ पर रखेंगे, तो मेरा अपना मानना है कि आपकी फैक्ट्री स्मूथ चलने लगेगी, आपकी फैक्ट्री प्रॉफिट देने लगेगी, आपकी फैक्ट्री में माल के रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है तो वो रिजेक्शन कम हो जाएगी, और इसी के साथ आपकी मशीनों में ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा है तो वो ब्रेकडाउन भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, जब आप अपने नॉर्थ वॉल को कंप्लीट खाली करेंगे। इसी के साथ मैं आपको एक दूसरा पॉइंट और बताना चाहूँगा, आपकी फैक्ट्री के अंदर ग्रोथ कैसे होगी, उसके लिए आप क्या काम करें। जो आपकी अपनी फैक्ट्री है, आप अपनी फैक्ट्री के साउथ वेस्ट कॉर्नर में नैऋत्य कोने में वजन बढ़ाएं। आपकी जो फैक्ट्री है उसके अंदर आपका डाई का वर्क है, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और डाई के द्वारा आपका प्रोडक्ट बनता है, तो एक्स्ट्रा डाई आप अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखना शुरू कर दें तो आपकी फैक्ट्री अच्छी चलने लगेगी। आपके साउथ वेस्ट कॉर्नर में कोई भी सामान नहीं है, कोई मशीन नहीं है, तो यहाँ पर सामान रखना शुरू कर दें, या मशीन रख दें, तो भी आपकी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलने लगेगी। फिर भी आपकी फैक्ट्री अच्छी नहीं चल रही, कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, तो आप एक काम और कर सकते हैं, छोटा सा उपाय करना है, इसमें कोई पैसे का खर्च भी नहीं है। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया नॉर्थ की दीवार को खाली करने के लिए, इसमें भी आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है। इसी के साथ जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी फैक्ट्री में साउथ वेस्ट कॉर्नर में नैऋत्य कोने में 2-3 ड्रम पानी के भरकर ऊपर से ढक्कन बंद करके साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखवा दें। ऐसा करने से आपकी फैक्ट्री स्मूथ चलने लगेगी, आपकी फैक्ट्री बढ़िया प्रॉफिट देने लगेगी। सिर्फ ये दो काम आप अपनी फैक्ट्री में कर लेते हैं तो आपको अपनी फैक्ट्री के बारे में ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी फैक्ट्री स्मूथ चलने लगेगी। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को 25 सालों का जो अनुभव है, जो मैं रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल साइट विजिट करता हूं और वहां पर इस तरह के छोटे छोटे उपाय कराता हूं, तो उनकी फैक्ट्री स्मूथ चलने लगती है। आप भी अपनी फैक्ट्री को स्मूथ चलाना चाहते हैं तो ये उपाय अपनी फैक्ट्री के अंदर जरूर करके देखें। मेरा अपना मानना है कि आपकी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलने लगेगी। आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, आपको कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो आप अपनी फैक्ट्री में ये दो पॉइंट जरूर चेक करें।
कन्फर्म है यहाँ पर वास्तु दोष जरूर मिलेगा। इन दोनों पॉइंट को सही कर लेते हैं तो आपकी फैक्ट्री स्मूथ चलने लगेगी। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है सही है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं तो ये उपाय अपने यहाँ पर जरूर करके देखें। आप अपनी फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं तो आप हमें अपने यहाँ पर साइट विजिट के लिए इनवाइट कर सकते हैं और आप अपनी फैक्ट्री का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। आप वास्तु से संबंधित और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 550 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।